तो इसलिए आज पीटर मेरा थोड़ा स्किन केयर करने वाला है गाइस। ये क्या हर वीडियो में तुम पांच छह दिन नहाता नहीं है, झूठ बोलते बोलते रोज। गाइस ये जो स्टेप है ये मेन स्टेप है, लाइक 1, 2 एंड 3 ग्लोइंग स्किन। फ्लफी। और गाइस आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना था, इम्पोर्टेंट तो है, तुम शेयर करोगे या मैं शेयर करूँ बोलो। यूट्यूब की तरफ से हमारे पास मेल आया है आज, तो हम लोग तो एक ही दोस्त जिसम एक जान। उनको देख के लग रहा है बहुत तबीयत खराब है तुम्हारा, यू आर जस्ट लाइक डाइंग और समथिंग। क्या फेस पैक बाद में लगाते क्या? मुझे नहीं पता। तो तुम क्या टिप्स दे रहे हो, लोग क्या सीखेंगे तुमसे? कुछ नहीं, कुछ भी लगा लो। Guys, good morning and welcome back to our channel and welcome back to our new video. फिर से हम आ गए हैं अपना मुंह उठा के आपके पास सामने। और जबकि हम मुंह उठा के आते ही है, और मुझे लग रहा था कुछ दिन से मेरा मुंह बहुत गंदा लग रहा है, और पीटर का भी साथ में, तो पीटर तो फिर भी क्यूट दिखता है, तो इसलिए आज पीटर मेरा थोड़ा स्किन केयर करने वाला है गाइस। पता नहीं क्या स्किन केयर करेगा, लेकिन वो बोल रहा था कि मुझे बहुत सुंदर बना देगा, ऐसा सुंदर बना देगा कि लोग मेरे ऊपर मरेंगे उसको छोड़ के। ऐसा है क्या सच में? आई डोंट थिंक सो, तुमको कोई भी वो ठीक कर सकता है, यू नो। तुम एकदम क्या ही बोलूं मैं, बोलने का मतलब क्या, मतलब इतना मतलब गंदा हो कि कोई ठीक ही नहीं कर सकता मुझे। No God please no। I hate you। I try। चलिए ट्राई करेगा बोल रहा है, मुझे लगता है मैं बहुत ही अच्छा हो जाऊंगा। चलो पहले क्या करना है, पहले मैं तुम्हारे स्किन को, एक सेकंड मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग सब कुछ रेडी कर चुके हैं। आई गेस मैं देख, ये क्या है, बोलो ना। आई गेस मैं देख रहा हूँ प्रॉपर, मुझे दे दो या तो रख दो। नो यू कांट जस्ट डू एन इंटरव्यू ड्यूरिंग द सेशन। कर सकते हैं गाइस, कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग ही बोलते हो कुछ भी करो हम लोग देखेंगे, बस इरिटेट मत करो। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे, और उसको देखो कितना अनप्रोफेशनल है, मुझे हेयर बैंड पहनाया नहीं, सो अनप्रोफेशनल। तो गाइस पहले हेयर बैंड पहना देंगे, ये तो तुम खुद से भी पहन सकते हो ना, इसको भी पहनाना पड़ेगा क्या? फीलिंग गुड नाउ। थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, और ये पानी अभी भी गर्म है। हाँ हाँ है, इसको ना नोज पे थोड़ा सा, इट्स हॉट, ताकि थोड़ा सा ना पोर्स जो होता है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। इट्स रियली हॉट। गर्म गर्म देंगे तभी ना गाइस ये होगा, अदरवाइज कैसे हो सकता है। तुम खुश नसीब हो कि तुमको कोई करके दे रहा है, मेरा सोचो, मुझे खुद अपने ऊपर करना पड़ता है क्योंकि कोई है नहीं करके देने लायक, सो दैट्स व्हाई। तो मुझे मुझसे तुम पूछते नहीं हो तो कैसे करके दूं? क्या करे, तुम हमेशा बिजी रहते हो। पानी तो ठंडा हो चुका है गाइस, ये तो खौलता हुआ पानी चाहिए था मुझे, मुझे लग रहा है तुम थोड़े से मतलब वो हो, थोड़ा सा ऊपर हो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा हेड थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था। देखा ठीक है, इट्स नॉट दैट हॉट नाउ, इतने गर्म से नहीं होता, होता है क्या? नहीं और थोड़ा गर्म चाहिए क्या? नहीं, मैं खोलता हुआ पानी लेके आऊं क्या? यू डिसाइड। गाइस हम लोग बहुत दिन से ये वीडियो पेंडिंग था, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे कि स्किन केयर करेंगे स्किन केयर करेंगे, ना इस चक्कर में स्किन केयर हो रहा था ना वीडियो बन रहा था, तो फाइनली, और हमारे पास प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, तो हमने फाइनली कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हमने सोर्स किया, और उसके बाद हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। क्योंकि जो इंसान 5-6 दिन तक नहाता नहीं है वो क्या स्किन केयर करेगा गाइस? ये क्या हर वीडियो में तुम 5-6 दिन नहाते नहीं, 5-6 दिन नहाता नहीं है, झूठ बोलते बोलते रोज। कल ही तो नहाया था। कब नहाया था तुम? कल नहाया था तुम्हारे नहाने के बाद। अब ये दिन में 2 बार नहाता है तो क्या? आपको पता है कि रोज नहाने स्किन का ग्लो चला जाता है। हाँ वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है गाइस कितना ग्लो कर रहा है। ट्रू, स्किन जो लोग रोज नहाते हैं उनका स्किन का ग्लो चला जाता है। ठंडा हो गया, आओ यूजुअली आओ गाइस एक सेकंड। स्किन का जो नेचुरल एक ऑयल होता है, ग्लो होता है ना, वो चला जाता है जबकि आप हर रोज उसको धोओगे, हर रोज उसको सोप दोगे। सोप में तो ऐसे भी पैराबेन होता है जो स्किन के लिए बहुत ही खराब होता है। सो गाइस आई एम बैक विद द प्रोडक्ट्स। ओह गॉस मुझे ऑलरेडी गर्म लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं बहुत दिन से देखा था रोहित के नोज के ऊपर एक बाल है जिसको मुझे निकालना है। सो गॉस ये तो पकड़ में नहीं आ रहा। आ गया गाइस, एक और दिख रहा है जो कि मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा करेंगे हम लोग स्पैचुला से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को निकालेंगे इससे। लग रहा है क्या? देखो कितना निकल रहा है। कैन यू सी दैट गाइस? थोड़ा सा तो प्रेशर देना पड़ेगा लग रहा है। बट इसी से तुम्हारा नाक साफ होगा। देख कितने सारे व्हाइट हेड्स है। दीज आर व्हाइट हेड्स गाइस। मुझे लगा तो बहुत आराम लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कूल फील होगा, बहुत रिलैक्स होगा, ऐसा लग रहा है सच में टॉर्चर ही हो रहा हूँ मैं। गाइस ये स्किन केयर क्यों करना चाहता था मुझे समझ नहीं आ रहा है। ए बस करो, उतना जोर जोर से मत करो। थोड़ा सा टोनर देंगे गाइस।
उनको देख के लग रहा है बहुत तबीयत खराब है तुम्हारा, यू आर जस्ट लाइक डाइंग और समथिंग, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे तुम। मुझे नाक में कुछ होता है ना तो बहुत ज्यादा इरिटेशन, तो तुम पहले बोलते मैं तुम्हारा नाक को छोड़ देता हूँ। नाक पे ही तो पहले तुमने हमला किया था। चलो अब मैं तुमको एक फेस पैक लगा के, अच्छा सा फेस पैक लगा के इसमें छोड़ दूंगा। टोनर लगाने के बाद फेस पैक लगाते हैं? पोर्स तो बंद हो जाएगा फेस का, फिर टोनर का क्या काम? क्या फेस पैक बाद में लगाते हैं क्या? मुझे नहीं पता। तो तुम क्या टिप्स दे रहे हो, लोग क्या सीखेंगे तुमसे कि क्या कैसे स्किन केयर? कॉमेडी वीडियो स्किन केयर एक्सीडेंटल है। और ये पीटर का कपड़ा देखो गाइस, गाइस देखो जो भी है अंदर भी कुछ है क्या? आओ जो भी है इसको छोड़ना नहीं है और इसको भी लगा देना है। लेट्स अप्लाई। ब्रश वगैरह नहीं है? हाउ अनप्रोफेशनल। नहीं यही मैं खरीद लिया हूँ, यही बहुत है ना। ये क्या करेगा फेस में? कुछ तो करेगा। पढ़ो उसमें क्या करेगा ये। ब्राइटनिंग मेरे स्किन के लिए है ये? क्यों, तुम्हारे स्किन में क्या अलग से कुछ जरी लगा हुआ है? नहीं मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है। ओह गॉश। हां हां तुम्हारे स्किन के लिए भी है। मेरा फेस जल क्यों रहा है? कहां पे? ये पार्ट पूरा जल रहा है। व्हाई? पता नहीं, मतलब मेरा स्किन खराब हो जाएगा, स्किन में छाले पड़ जाएंगे, इसके बाद मुझे पता नहीं है। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे स्किन में मेडिसिन लगा दूंगा। मुझे भी करना था ये सारी चीजें। चलिए गाइस सूख जाते फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस ये सूख रहा है अभी फिलहाल फैन के नीचे, अभी भी पूरा सूखा नहीं है और बाहर घमासान बारिश हो रहा है तो मैंने विंडो बंद कर दिया है। हाउ यू फील? ठीक ठाक। ठीक ठाक हाँ, मतलब ये तो फील अच्छा करूंगा जब ये रिजल्ट में देखूंगा तब ना। अब रिजल्ट कैसे दिखाऊं मैं तुमको? हो जाने के बाद मैं खुद भी तो फील करूंगा कि स्किन बेटर हो गया पहले से। 15 मिनट्स लेटर। तो गाइस ये सूख चुका है फिलहाल। हाँ ये सूख ही चुका है, बस एक जगह पे थोड़ा सा मोटा। हाँ वो थोड़ा सा मोटा है ना इसलिए, मतलब वहाँ पे थोड़ा मोटा है, दैट्स व्हाई वो सूखने में टाइम लगेगा। तो गाइस ऐसे पैक लगाने के बाद एक वेट टॉवल लीजिए भीगा हुआ और इससे अच्छे से इसको ओके। तो गाइस यहाँ पे क्लीन हो चुका है सब चीज, थोड़े से इसको सुखाए 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 सुखाए। इसके बाद गाइज ये जो स्टेप है ये मेन स्टेप है, लाइक 1, 2 and 3 ग्लोइंग स्किन। इसको हम लोग निकालेंगे एंड इसके बाद हम इसको, पता नहीं हर बार तो अलग अलग तरीके का आता है, पता नहीं। आई जस्ट रियलाइज कि कोई और मेरा स्किन केयर कर दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम खुद करोगे तो ये अच्छा लगता है तुम्हें? मतलब ऐसा होता है ना बहुत लोगों का स्पा में जाके कराने का मन करता है कोई जैसे और कि मैं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि मैं खुद से कर लूंगा तो वही ठीक है। मतलब थोड़ा सा मुंह तो मेरा बंद हो गया, तो मुंह खुलने के बाद मिलता है या फिर पीटर आप लोगों से मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे अभी और भी 5-6-7 मिनट हो चुका है और रोहित यहाँ पे सो गए थे क्या? गाइज अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा देर और रखने में ज्यादा अच्छा होगा, सो 10 मिनट और रख के फिर इसको तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो गाइज मैं तब तक अपना वर्कआउट खत्म कर लेता हूँ क्योंकि मैं सुबह से कर नहीं पाया इन सब चक्करों में। मैं खाना बना ली हूँ, आज चिकन बनाया है घर पे और अभी मैं वर्कआउट कर लेता हूँ थोड़ा देर, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय। Guys, you can try this at home. ये बहुत ही सही एक्सरसाइज है for abs. आओ, Fluffy guys बाहर आ चुका है और डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, बस उसका यही काम बचा हुआ है हमें डिस्टर्ब करना। पता नहीं ये जिम ब्रोस कैसे कर लेते हैं। Hats off guys, thumbs up आप लोगों के लिए। ए Fluffy क्या कर रहा है रे? देखो guys इसको, इसको बस ये यही चाहिए, कुछ भी पड़े हुए चीजों में मुंह मारना है। ऐसे Fluffy, Fluffy गाइस अभी तो स्टार्टिंग है ना, 2 दिन हुआ है, दिस इज द सेकेंड डे, तो मैं ज्यादा ज्यादा नहीं करता कुछ भी क्योंकि इंजरी हो सकता है और लिमिट क्रॉस कर जाओ तो प्रॉब्लम होता है। सो मैं थोड़ा बहुत हल्का हल्का जितना भी हो फ्री हैंड जैसा होता है वैसे मैं फ्री हैंड करने की कोशिश करता हूँ घर पे, सो दैट थोड़ा बहुत यू नो प्रैक्टिस में रहे। तुम्हारा हो चुका क्या? अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा? ये तो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई है, और थोड़ा देर उसके बाद देखते हैं। और गाइज आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना था, इम्पोर्टेंट तो है, तुम शेयर करोगे या मैं शेयर करूँ बोलो?
मैं शेयर करूँ? तो हम लोग जो कल के वीडियो में शॉपिंग किए थे यूट्यूब के लिए, यूट्यूब की तरफ से हमारे पास मेल आया है आज वेन्यू के लिए, कि वेन्यू कौन सा था एंड टाइमिंग क्या क्या है, वो कंफर्मेशन मेल हमारे पास आ चुका है। बट प्रॉब्लम इज वहाँ पे एक ही पर्सन, मतलब एक चैनल से एक ही पर्सन को अलाउ कर रहे हैं वो लोग। स्ट्रिक्टली बोल दिए कि नो एक्स्ट्रा जो भी पर्सन है चैनल में वो अलाउ नहीं है, एक चैनल से बस एक ही क्रिएटर अलाउ है। तो अब हमारा तो कपल का चैनल है, यू नो कि हम अकेले नहीं जा सकते, मैं ना अकेले जाऊंगा ना रोहित अकेले जाएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग यू नो कंफ्यूजन में है कि क्या करें, क्योंकि अब अकेले तो नहीं जाने वाले। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कॉन्टैक्ट करने का यूट्यूब की टीम को या जो भी ऑर्गेनाइजर्स वहाँ पे है कि वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर दें हमारा। क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। और तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? हो गया, अब निकाल दो तो इसको, तो तुम खुद से भी निकाल सकते हो इसको। इसमें अभी भी बहुत सारा वो है, लिक्विड है। लगा लो अपने बदन में, थोड़ा सा ऊपर और स्कैल्प पे, मतलब हेयर, हाँ हेयर लाइन होता है ना वहाँ पे। बाकी ये तुम लगाओगे? नो, क्या तुम्हारा ये वाला फीका हुआ मैं लगाऊंगा? तो हम लोग तो एक ही दो जिसम एक जान है, लगा सकते हो। एक्सक्यूज मी, जस्ट मैं इसको फ्लफी पे लगाऊ क्या? फ्लफी फ्लफी फेस लो अपना, फ्लफ फ्लफी फ्लफी इधर आप फेस दो अपना, ये लो, ये भाग रहा है। गंदगी करके रखा, क्या क्या खाते रहता है तू? रुको, तुम्हारा चोंच साफ हो रहा है अभी, फिर तुम्हारे पैर साफ होंगे, यू नो दैट। मैं पता भी नहीं कि इसको अच्छा लगता है कि नहीं ये सब। देखो ये साफ हो चुका। आज क्या खाना बन रहा है? आज खाने में बनाया चिकन एंड राइस। चिकन एंड राइस? यप, चिकन और राइस। नो दिस इज, ये चिकन नहीं, ये मार्केट का चिकन। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है चावल, अभी भी ये कुक हो रहा है, लेट इट बी। और मैं यहाँ पे रोस्ट कर रहा हूँ थोड़े से मखाने। मैंने सुना कि मखाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस, जिसको मैं थोड़ा सा देसी घी में रोस्ट कर रहा हूँ। इसको हम लोग शायद रात को दूध के साथ खाएंगे। आप लोग गाइस बताने कि मखाने को कैसे खाना चाहिए, मतलब बेस्ट रिजल्ट मखाने का किस तरीके से आता है। मैंने सुना कि मखाना टेस्टी भी होता है, मतलब हेल्थ के लिए भी सही होता है। और यहाँ पे गाइस बना है चिकन, थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसको। रोहित यहाँ पे कर रहा है काम अभी भी, अपना स्किन केयर खत्म होने के बाद। तो मंदिर में कुछ दिख नहीं रहा, क्या हो गया पता नहीं, कुछ गिरा दिया गाइस। तो गाइस मेरा स्किन केयर तो हो चुका है, देख सकते हो आप। और मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, पीटर पता नहीं इस किचन में कुछ कर दिया उसने। क्या हो गया बेबी बॉय? वो ये जो है ना, ये ढकना गर्म होगा, देख के अपना मुंह में जला लेना। क्रंच हुआ है क्या, मतलब पूरा क्रंच एकदम दांत पे? नहीं, लेकिन टेस्टी है, दांत में चिपक रहे है। हाँ, चिपक रहे है। इतना इजी स्ट्रेट आंसर मैं नहीं दे सकता। क्या दांत में चिपक रहे है या नहीं? अगर नहीं चिपक रहा है तो इट्स रेडी, अगर चिपक रहा है तो इट्स नॉट रेडी। चिपक रहा है तो अभी देर नहीं। ऐसा हुआ क्या था, इतना जोर से आवाज आया? ये जो है ना, ये मैं उल्टा करके हमेशा रखता हूँ ताकि गैस गंदा ना हो, क्योंकि जैसे पानी ऊपर आता ना चावल का, वो गिर गया था। तो मैं जानबूझ के रखा था कि गिरे, ताकि मुझे पता चला ऐसे आवाज धमाके की तरह, याद है चावल हो गया है। जाओ जाओ फ्लफी अंदर चलो। हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ नहा के, और स्किन तो मेरी काफी ग्लोई और ड्यूवी लग रही है, मतलब ऐसे लग रहा है चमक रहा है पूरा स्किन। देखो स्किन में थोड़ा सा मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड लग रहा है बहुत सारा। और मैं नहा चुका हूँ फाइनली, फीचर के मुताबिक 5 दिन बाद। चलो भूख लगे, खाना खाए क्या? चलो खाना खा लेते हैं। क्या बनाया आज? चिकन शायद बोला था, तो चिकन खाना है और खाते हैं। लोगों को कितने लोग कितने गिफ्ट भेजते हैं, हमें कोई क्यों नहीं गिफ्ट भेजता पीटर? क्योंकि तुम तो गिफ्टेबल नहीं हो, या फिर तुम्हारा शक्ल ही ऐसा है कि गिफ्ट भेजने, तुम्हारा शक्ल ही ऐसा है कि गिफ्ट कोई भेजना ही नहीं चाहता है। हो सकता है, हो सकता है ना? वो भेजे ना भेजे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चलती रहेगी। नहीं लेकिन फिर भी गिफ्ट भेजेंगे तो तुम पिज़्ज़ा अच्छा टाइम थोड़ा भूख लगा है खाना। ओ, चलो चलो, लोग बोलेंगे लालची है रोहित, हमेशा गिफ्ट विफ्ट करता है। हाँ है थोड़ा सा कंजूस लालची। आ जाओ जो खाना, मैं तुम्हें अपने हाथ से उठा के ले जाता हूँ किचन में। किचन में क्यों जाना है? क्योंकि खाना तुमको निकालना है। नहीं नहीं तुम लेके आओ ना। आओ आओ हुजूर। कितना बज रहा है? 1533। देखो पीटर आ गया है, देखो कितना भरा भरा लग रहा है सब कुछ, अब अच्छे से कर पाओगे तुम। बना भी दो फिर, मतलब खिला भी दो। आइडिया तो अच्छा है, खिला के भी दे सकते तुम। नहीं इससे ज्यादा बात करना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत खराब होता है इससे बात करने से। देखो तो चिकन कैसे बना, चिकन का झोल बना है क्या? मुझे लग रहा था चिकन कसा बना होगा, नीचे पानी गिर रहा है। गाइस खाना वाना खा चुके हैं एंड पानी आ चुका है यहाँ पे, बारिश धमाकेदार
पार्टी हो रही है यहाँ पे। खाना बहुत टेस्टी था, खाना खा लिया। तुमको कैसे लगा खाना? बहुत अच्छा था, टेस्टी था, अच्छा था। और गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय।